नमस्ते भारत। आज फिर से बांबू रिलेटेड कुछ जानकारी गणेश भाई के साथ में सीखेंगे, क्या, क्यों और किस लिए इंडिया में कौन कौन सा वैरायटी चल रहा है बांस के अंदर में। और ख़ास तौर पे आज हमारे साथ में न्यू जनरेशन जो है वो कंधे से कंधा मिला के सीखने के लिए छुट्टियों के दिन के अंदर में आई हुई है। रोहन भाई, वो क्या है जो आपने पकड़ा था, वो क्या है? ओके, अभी मैं फीलिंग की बात करूँ तो सारे व्यक्ति यहाँ पे रुक जाइए, है ना। यहाँ पे अलग ब्रीदिंग होगा अपना, है ना। ओ, फोटो सेशन बाद में कर लेना। हेलो, यस, यही तो देखने के लिए आपको बोलया था ना। चाइना पड़े सारे, चाइना में भी ऐसा ही होता है क्या? बात है, आपको भी पता है चाइना में क्या होता है। अब देखो और महसूस करो, फील करो क्या कह रहे हैं गणेश भाई, क्या कह रहे, पहले फील करो उसको। यहाँ बाहर रुकते हैं और यहाँ की फीलिंग या फिर छाव में आ जाओ तो छाव की भी फीलिंग, यहाँ की फीलिंग और अंदर जाने के बाद की फीलिंग क्या महसूस कर रहे हो तो मुझे, मैं अंदर पूछूंगा आपको, है ना। यहाँ भी रुक गए अपन 2 मिनट, अभी अंदर चलते हैं। ये एग्रो टूरिज्म जैसा ही है ना। यस रुहान, शांति बेटा, ये आँख में लग जाएगी हो कार्डियन। ए, हाइट देखो। अच्छा, ये इसकी खुद कितने नहीं, ये येलो बांबू है। अभी देखो रुहान, रुहान सुनो, गणेश अंकल जो है वो अपने को समझाएंगे किसका क्या नाम है, कौन सी वैरायटी है और वो किस लिए यहाँ पर है बांस, ठीक है। अपने को समझना है, आज अपन समझने के लिए आए हैं। जी, येलो वल्गरीज है ना, नेचुरल कलर येलो आता है और इसमें ग्रीन जैसा ये जो है ना लाइनिंग है, ये नेचुरल ऊपर की दी हुई देन है ये, है ना। तो ये सोबर इसकी लाठिया, काफी सारे लोग अभी गुड़ी पाड़वा का लाएगा, देखो गुड़ी पाड़वा के लिए इसकी लाठिया कट करके, ये जो लाठी रहेगी ना वो उल्टा करके उसमें रखते हैं वो, तो उसके लिए ये यूज होता है ना। और नेचुरल फर्नीचर के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, फर्नीचर के लिए और शोभा वस्तु या फिर गेट डोर डोर वगैरह जो रहेंगे उसके लिए भी ये काम में आता है, ये येलो वल्गरीज। अभी ये फील्ड में हम लोग जो घूम रहे हैं ना, सबसे पहले ये समझ ले कि ये फील्ड लगाए हुए कितने दिन हो गए, तो कम से कम 3.5 से 4.5 साल अभी हो गए, मतलब 4 साल इस अगस्त में पूरे हो जाएंगे। तो 4 साल में एक बांबू का पौधा लगाने के बाद में कितने भिर्रे आते हैं ये हमें ये दर्शाता है यहाँ पे, या फिर हम खुद समझ सकते हैं। आइए, ये पूरा येलो वल्गरीज का लगाया हुआ लाइन है। अभी यहाँ पे आइए, 3.5 वर्ष ये लॉन्जिस पैथस है, लॉन्जिस पैथस, ओके। ये अगरबत्ती के लिए भी अपन थोड़ा ये यूज कर सकते हैं, है ना। देखो ये कितनी हाइट इसकी चली गई है। Yes. ये इसी साल का है, इसी साल में आया हुआ ये बैम्बू है, ये कैसे समझेगा और हम ये इसकी पहचान क्या है? तो ये ऊपर में दिख रहा है आपको ये पत्ता, हाँ, इसको चिपका हुआ, ये इसकी पहचान है कि ये इस साल आया था, पिछले साल कौन सा आया था तो ये आया था, ये आए थे पिछले साल के, ये सारे है। अभी कटिंग के लिए कौन सा है तो ये इसने इसकी मैच्योरिटी दे दी है कि मैं कटिंग पे आया हूँ तो मुझे, यस बराबर। ये अलग अलग कलर आपको दर्शा रहा है, जैसे छोटी छोटी ये स्टिक है ना जी, कटिंग के लिए रेडी हो गई है, ये वाली मैच्योर हो गई है, पक गई है, मैच्योर हो गई है। इसमें एक खासियत मैं आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि बाजू में ही तुलडा का पौधा लगा हुआ है, इसमें और उसमें क्या फर्क है। इसकी इंटरनोट आप देखो, है ना, 1.5 फीट की लेंथ करीब जी, ये कितना 2 और 3 उंगली आई मेरी, अभी बाजू में ही इससे टुलडा लगा हुआ है जो अगरबत्ती के लिए मैंने बताया ना भैया आपको।
ये टुंडा वैरायटी है यहाँ पे बराबर। इंटरनोट जो है ना ये बड़ी बड़ी आती है, हर शूट में इंटरनोट बड़ी आएगी। जैसे ये वाला अंदर वाला अगर देखो मैं तो इसकी इंटरनोट देखो कितनी बड़ी है, एक दो ये तीन। अभी इसके बाद में जितने भी शूट आएंगे ये मोटे और हाइट देंगे और इंटरनेट बढ़ा के देंगे अपने को। यस, यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन टुंडा को, ये भी टुंडा वैरायटी है ये वाला, इसकी इंटरनेट देख सकते हैं आप। Yes. इसमें होल पोल ज्यादा होते हैं, फाइन ट्यूनिंग वाला बांस है, क्रशिंग क्रशिंग के लिए मशीनरी हार्डनेस वाली नहीं लगती है, तो आसानी से इसकी स्टिक हम लोग बना सकते हैं। बराबर। या फर्नीचर के लिए भी, जैसे बड़े बड़े नोट्स अगर हमें चाहिए फर्नीचर के लिए जी, तो इंटरनोट इसकी बड़ी होने की वजह से फिर हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये इसका नया शूट है क्यों? हाँ ये नया शूट है। ये एक दो तीन चार ये सारे सूट देखते हैं, ये एक साल के सूट है, अभी निकल रहे हैं। पास में दो, उसके पास में वो पीछे ऊपर तक में तीन, ये चार, ये सूट जो है ये नए। अभी इसका एक अगर मैं बताऊं आपको जी कि ये सूट जो अभी निकला है हाँ। ये 90 दिन में अपनी हाइट कंप्लीट कर लेगा, जो भी 30 35 फीट 40 फीट की हाइट इसको लेनी है हाँ। ये अपने 90 दिन में हाइट कंप्लीट कर लेगा, 90 दिन के अंदर में कर लेगा। ओहो, मतलब उतना फास्ट जो है ये जा रहा है। कौन सा ये अभी वैरायटी बताया? ये टुंडा, टुंडा वैरायटी जी। एक पौधे के अंदर में से ही ये सब जगह पर जो भी लगाया है सब एक एक पौधे ही है। पानी कम मिल रहा होगा उसके कारण शायद हो सकता है। पानी की वजह से है। हाँ पानी का यहाँ पे ट्रेस होता है क्योंकि अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो पानी का थोड़ा ट्रेस रहेगा, इस एरिया में थोड़ा पानी कम होगा। अपन ने घर पे देखा था ये इसका छिलका गिरा हुआ है। जैसे ये बैम्बू आता है ना नया राइजो जो निकलता है, जैसे ये निकला हुआ है तो इसके पत्ते निकले हुए हैं, इसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। पत्तल और दोने या कटोरी जो खाना खाते हैं ना मुँह समय, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर दिया और प्रेस किया कि इसकी कटोरी बन जाएगी, मतलब और नेचुरल है। आप याद कर लो, कई बार आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम भी इसी के अंदर में जो है अंदर मिलता है वो बनता है, जो हम लेते हैं वो ये नेचुरल वे वाला है। और दूसरी बात ये इको फ्रेंडली है, जैसे ये खाके आप डालोगे ना कहीं पे भी तो ये गल जाएगा जी, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है जी। और एक पौधे में कम से कम ये 30 से 40 पत्ते देता है ये वाले, है ना। तो फिर वैल्यू एडिशन आप खुद करते जाओ, क्या 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 मिलेगा इसमें, है ना। जितना मोटा बांस निकलेगा उतना बड़ा ये आपको मिलेगा। ये पत्तल और दोने बनाने के लिए काम में आएगा, ये मैंने आपको थोड़ा छोटा वो आइसक्रीम खाने वाला बताया है ना कप, ये पत्तल और दोने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ये ग्रीन वल्गरिस है, ग्रीन वल्गरिस, येलो वल्गरिस का ही भाई है बराबर। और ये भी होल और पोल ज्यादा होता है इसमें, और ये भी फर्नीचर के लिए ही काम में आता है बराबर। नेचुरली कलर इसका ग्रीन है ना। इसकी भी हाइट 30 से 35 फीट के लगभग जाती है। यस, ये सूखने के बाद ये ऐसा कलर होगा। हाँ कलर ऐसा ही रहेगा, नेचुरल कलर ऐसा ही रहेगा इसका। अच्छा है। वो देखकर ही चलना है। जो आंख बचा भी
उसकी बचाना रुहान उधर अजी जावा नहीं बेटा ये यही पड़ा रहता है अगर अपने खाद वगैरह की जाइजेंटियस ओके यहाँ पे अपन ने लगा हुआ है जाइजेंटियस बराबर जाइजेंटिस बांस अगर आप देखोगे तो कई सारे व्यक्तियों का आपके पास भी फोन आता होगा कि यार जाइजेंटिस का बैम्बू मिलेगा क्या जी जो कम से कम 8 से 9 इंच मोटाई देता है ओके 100 से 150 फीट हाइट जाता है बराबर लेकिन अपने एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो बाकी पौधों के हिसाब से जर्मिनेशन उतना नहीं है उतना फास्ट ग्रोथ नहीं है वातावरण वो नहीं है अपने तरफ मतलब हम लोग इसको लगा नहीं सकते हैं बराबर है ना हो जाएगा लेकिन समय लेगा 10 से 15 साल ये समय कम से कम लेगा जी जी ये कौन सा वैरायटी बताया मुक्सा बालकुआ जी जिसे बोलते हैं ना बालकुआ और ये अभी का मैं पिछले 1 महीने पहले यहाँ पे आया था शायद तो ये तब का यहाँ पे निकला हुआ सूट है ये देखो ये नया सूट है हाँ 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 बराबर दिन में इसने इसका कंप्लीट कर लिया हाइट ओके ये पहचान क्या है आपको समझ में आ रहा है कि नए सूट ये कब निकले हुए हैं जिसकी पत्तियां साथ साथ में है हाँ। जो पत्ता है ना हाँ। जी ये इसका आवरण है ये समझ जाना कि ये नया समझे मोक्सु नवी आखी डाढ़ के ऊपर जाए है ना जब बम्बूनी उसमें सब में पत्ता है वो नया सूट वगैरह आप देखोगे भैया चिराग भैया जी ये अभी का निकला हुआ है हाथ में नहीं बैठे ऐसा पकड़ना पड़ेगा हमें मोटाई अगर देखो ना आप तो इसे हाथ में पकड़ना पड़ेगा ये वाला देखना 2 हाथ से जो है हाथ में आए फिर भी पूरा नहीं हो रहा है बराबर है उसके बाजू में तो और मोटा है वो उधर वाला वो वाला हाँ वो वाला अगर इसको सही तरीके से पानी दिया जाए जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पानी की थोड़ी कमी है हाँ। यदि इसको सही पानी दिया जाए तो ये और भी मोटा और भी सूट्स जो है देगा ना और हाइट भी देगा लगता है महाराष्ट्र में 6 महीने के पौधे आप बिलीव नहीं करोगे हाँ कम से कम 100 लोगों ने उस प्लॉट को विजिट कर लिया 40 गांव के गायकवाड़ जी है ओके नहीं राठौड़ जी है उनके यहाँ पे मैंने वीडियो डाला हुआ है 6 महीने में पौधे की हाइट है 22 से 25 फीट ओनली 6 मंथ हाँ खाली मट्टी का फर्क है अच्छा, और पानी का भी फर्क है मट्टी अच्छी हेवी फर्टाइल लैंड है बराबर तो उन्होंने तो नॉर्मल तरीके से वो लगाया था पौधा लेकिन जिस दिन वो पौधा भगा तो उन्होंने 12x4 पे लगाया है तो 12x12 फीट के जो रोल लगा के रखे है ना हाँ। तो उन्होंने एग्रो टूरिज्म बना लिया और वहाँ पे गिलकी भेंडी अलग अलग तरह के वो फ्रूट ये लगा दी अपना सब्जी मंडी तो बराबर 40 गांव के बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो भी ऑफिसर ही है बराबर आके आदमियों को भेजते थैला लेके भर के लेके चले जाते 3 जोड़ी रखी हुई है अभी अच्छा हाँ और वो वहाँ पे वो टपरी बना के रखी है वहाँ भोजन करने के लिए आते है बड़े बड़े लोग अभी यहाँ पे महसूस कैसे फीलिंग अलग लग रहा है ना ब्रीदिंग के लिए भी और ऐसा लगता है कि इधर ही रुके थोड़ा सा मॉइस्चर अगर बढ़े यहाँ पे तो फिर और हल्की सी लगेगा कि यहीं पे रुके मॉइस्चर अगर बना रहे तो यहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत है बराबर दूसरी चीज मैंने आपको एक बताया था कि इसमें बैम्बू में अभी तक लोग सोच रहे हैं कि वैल्यू एडिशन पे मैं बेचूं कहाँ पे इसके पत्तल दोने बनाऊं इसका बायोमास कार्बन बनाऊं जी सबसे बड़ी बात और सबसे छुपी हुई बात इसमें ये ऑटो क्लाइमेट यहाँ पे बन गया अभी 4 साल के बाद तो ऑटो क्लाइमेट में इसमें हमने अगर अपना मैंने सवेरे क्या बोला आपको क्या सब्जेक्ट पे इसकी
हाँ मशरूम मशरूम जी जी मशरूम समझ में आता है, व्यवहारिक जीवन में नहीं है अपने नहीं, बड़ी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीजें हैं। बटर मशरूम और रेड मशरूम का नाम आपने अगर डाला तो आपको समझ में आएगा, दुनिया का सबसे महंगे बिकने वाला मशरूम है रेड मशरूम। उसमें सारी तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू है और वैल्यू एडिशन में इतने एक एकड़ में करोड़ों रुपए का इनकम आप ले सकते हो। भैया को जो बताया तो इनके पास रेडी ऑर्डर है जी, जी। बटर मशरूम आता है व्हाइट कलर का और रेड मशरूम आता है। मशरूम में कई सारे प्रकार हैं। तो यहाँ मशरूम को जर्मिनेशन के लिए बायोमास कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे बायोमास कार्बन है, यहाँ पे खाली हमें मॉइस्चर देना है। तो यहाँ पे स्प्रिंकलर अगर लगा लिया तो इसमें ऑटो क्लाइमेट तैयार हो जाएगा। ऑटो क्लाइमेट तैयार होने के बाद यहाँ ये जो रहेगा ना ये नीचे रसा देगा, तो इसमें आप मशरूम अगर डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली जर्मिनेशन हो जाएगा, उसको इको फ्रेंडली रहेगा वो। जैसे हम लोग वो कंडे लगाते हैं उसमें मशरूम रखते हैं ना, तो इसमें कंडे लगाने की आवश्यकता नहीं है। न्यूट्रिशन वैल्यू 100% मिलेगी और वो चीजें जो चाहिए साइंटिस्ट लोगों को, क्योंकि मशरूम को खाने से अच्छा उसको अगर सुखा के हम मेडिसिन में देते हैं तो ये अगर 200-250 रुपए किलो है ना तो वो 2500 रुपए किलो है सुखा हुआ। इतना बड़ा वैल्यू एडिशन है, 200-250 रुपए, 400 रुपए केजी था जब मैं उसमें काम करता था आज के 4-5 साल पहले। ओके 350-400 रुपए केजी और सूखने के बाद में 2500-3000 रुपए केजी, बराबर बड़ा वैल्यू एडिशन है। एक एकड़ का बैम्बू लगाकर खाली इको फ्रेंडली ऐसा ही छोड़ दे उसमें मशरूम की खेती करे ना तो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। क्रॉपिंग जो लेना है, हाँ, क्रॉपिंग वाला बीच में अंतर्वर्ती जो पाक लेना है उसके अंदर में क्या है, उसको लगता है नाइट्रोजन वगैरह ज्यादा लगता है वो ह्यूमिडिटी, तो ये एक्टिव ह्यूमिडिटी को ये बनाता है बैम्बू यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है ना, तो उसको वही चाहिए मशरूम को। मशरूम के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखो ब्रीदिंग के लिए अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है अंदर, अगर आप फीलिंग करोगे तो ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम बनता है। जैसे हम लोग कहीं समंदर के किनारे जाते हैं ना तो वहाँ पे लगता है, बराबर। तो ये चीजें यहाँ पे होती है, थोड़ा सा पानी अगर होता तो थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवाएं हमें लगती, बराबर। 3.5 साल का बल्कुआ वैरायटी, ये भी है देखो, ये भी टूट नहीं है। एक साल में कम से कम हमने देखा है कि 12 शूट निकलते हैं अगर कंटिन्यूस पानी दे रहे हो तो, इतने 12, और पानी नहीं दे रहे हो तो 6-7 शूट निकलते हैं। एक बार लगाओ काम से फ्री हो जाओ, सालों साल चलाओ, और सबसे बढ़िया जो है वो तो ये दिख रहा है अपने को कि हम लोग जो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहते हैं तब बायोमास ढूंढते रहते हैं, हाँ, कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा। आप कोई सी भी चीज़ इसमें कर सकते हो जी, इसमें आप गेहूं डाल सकते हो, चना डाल सकते हो और प्योर ऑर्गेनिक रहेगा, उसमें कोई खाद डालने की या कुछ डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना ये मिट्टी, बाहर कितनी धूप है कितनी गर्मी है और यहाँ पर हाथ जो है उसको टच करके देखो, बाहर अगर 42-43 अभी है तो यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए, उसके जगह पर ठंड है। मेल अगर आप लोगे ना तो ये आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। जो पौधे को चाहिए वो भोजन यहाँ पे प्योर मिट्टी जैसा है, प्योर खाली इसमें 2 बूंद पानी की डाल दो बस। ओके 2 बूंद पानी के ये ले लो और 2 बूंद पानी के डाल के इसमें इसका स्मेल लेना, तो जो पौधे के रूट के पास जैसे 1-2 पौधा इसे उखाड़ के आप स्मेल लोगे ना उसके जड़ों की, वही स्मेल आपको इसमें से मिलेगा। प्योर बायो ऑर्गेनिक कॉलोनी यहाँ पे बनी हुई है, क्यों बेटा है ना स्मेल, मतलब फ्रेग्रेंस भी अलग है, अलग है, अलग है, अलग। अच्छा
बढ़िया हो जाता है, बढ़िया नहीं मतलब सोच के परे है, हम लोग जो सोच रहे हैं ना उससे परे परे है। हाँ सीधी सी बात है, बीच में अपन को कुछ करना नहीं है, जो है इसमें स्प्रिंकलर लगा दो, इसको डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूट होने के बाद में ये पूरा पक जाएगा, उसमें उसको डाल देना है, चारों तरफ से सेफ्टी हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली वो बटर मशरूम इतना इतना आता है उसको कलेक्टिंग करना है, बराबर कलेक्टिंग करके सुखा के फिर मार्केट में। तो वैसे देखा जाए तो गणेश भाई अगर मशरूम इसमें करते है तो मेरे को तो ये लगता है कि फिर अगर बांस को कटिंग भी ना करो तो मशरूम से बांस से ज्यादा तो इनकम मशरूम में आ जाती है, जो दिमाग दौड़ रहा है वो करने की आवश्यकता जी, बराबर है। देखना बेटा ये पैर में लगेगा, यहाँ पे कटंगा बाबा आ गया है, ये बैम्बू का बैम्बू से इसको कटंगा बोलते हैं ना, कटंगा बांस अपन उधर से चलते हैं, पीछे से चलते हैं ना, पीछे से आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ वो पीछे देखते हैं ना और कौन कौन सा वैरायटी है, कौन सा वैरायटी किस में काम आता है, हुआ था ना यहाँ पे गैप फिलिंग हुआ था, जब पौधे लगाए थे तो यहाँ पे पौधा नहीं आया, तो ये गैप फिलिंग हुआ था तो बीच में फिर टुंडा लगा दिया, बाद में लगाया, इसीलिए अभी इसकी इंटरलॉक अगर आप देखोगे तो ये देखो दो फिट डेढ़ फिट तो पक्का, दो 22 इंच के लगभग है, और इसकी आप देखोगे जो ये शूट अभी जो निकले हैं इसको देखो है ना अभी के है, नहीं नए सूट के अंदर में बराबर ये बांस का जो है सबसे बड़ी खासियत ये कि नया सूट निकलता है तो साइड ब्रांचेस नहीं, सीधा ऊपर टॉप तक जाएगा, इसमें सनलाइट नहीं मिलता है ना तो ये जो आंखें हैं ये एक्टिव नहीं होती है, ये जहाँ जहाँ इसके ऊपर सनलाइट गिरेगा ना वहाँ से ब्रांचेस दे देगा, इसलिए सीधा निकलता है, बराबर देने का ये क्या है कि इस समय पे इसके ऊपर सनलाइट गिरता था इसकी वजह से इसने ब्रांचेस दे दिए, बराबर ओके ओके। हाँ कई फार्मर्स जो है ये भी कहते हैं कि इसमें साइड ब्रांचेस आती है तो उसके कारण फिर वो निकलेगा कैसे, लेकिन वो शुरुआत के एक दो या तीन साल तक में ठीक है, पत्तों के कैनों पे बना लेगा तो ये सीधा नीचे से इसका काम है कि मैं सनलाइट को पकड़ो, सनलाइट को पकड़ा कि बस इसमें स्पर्धा, जैसे दक्षिण अफ्रीका में वो जंगल है ना जी स्पर्धा वाले जंगल, बड़े बड़े डेढ़ दौड़ से 200 फीट वाले जो पौधे हैं, हाँ। तो वो एक्चुअल पौधे नहीं बढ़ते, उनका जेनेटिक बन गया है, उनकी स्पर्धा चलती है, वो एक दूसरे को कैनोपी बनाते हैं तो दूसरा पौधा उससे भी ऊपर चला जाएगा, जेनेटिक चेंज हो गई अभी जी, अमेज़न के जंगल जो बोलते हैं जी जी उसमें है वो पौधे, बराबर कौन सा है। आज तो गणेश भाई इतने नाम आपने दे दिया ना कुछ याद ही नहीं रहता इसमें, एलवेरी है और एलवेरी एक अगर देखोगे ना जी तो ये अपना पत्ते को नहीं छोड़ता है, अच्छा अगर आप पूरे बैम्बू देखोगे खुद का शेप ले लेता है, कटिंग होगा तब हमें उसको निकालना पड़ेगा है ना, डी एलवेरी और ये स्टिक्टस बांस है, लाठी बांस जो बोलते हैं ये स्टिक्टस वाला बांस है, ये स्टिक्टस जो पुलिस के हाथ में डंडा होता है जी 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 मास्टर के हाथ में डंडी यस वो मारने के लिए वो वाला ही स्टिक्टस बांस है, और बाकी सब भीरे के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये सब एक दूसरे के साथ में टच होकर जो है वो चिपक चिपक कर जो है आया हुआ है, बराबर लेकिन वो फिनिशिंग जो चाहिए जो स्मूथनेस बाकी पौधे का जो पत्ता छोड़ देता है वो नहीं है, फिर इसको निकालना वो करना तो इसको कटिंग भी जब करेंगे तब एक साथ में ही कटिंग होता होगा क्योंकि अपन बीच में से निकाल तो सकते नहीं जी, खोखला आता है हर इस किसी में होल और पोल ज्यादा ही है, बालकुआ में ही कम मिलता है इसलिए बालकुआ को अपन प्रेफरेंस देते हैं पहला, बांसुरी बराबर चलता है वो आगे है मैं दिखाता हूँ आपको, बांसुरी वाला अलग है वो देखना ये आँख में लगेगा है ना, हर पौधे की पत्तियों के ऊपर भी ध्यान रखो, हर साइज ये अलग अलग है ना, बराबर चलो मनुष्य राकेश भाई जब कभी भी यहाँ पर ये लगाया था हाँ तब इतना एडवांस विचार करके लगाया होगा ना,
कि ये एक साथ एक ही जगह पर 19-20 वेराइटी अपन लगाए तो सबको जो है वो समझने में और ध्यान रखने में ख्याल आएगा। क्या 4 साल के बाद में ये 18 वेराइटी लगी हुई है। ओके, ये है ब्रांडी साई। ये भी 70 से 80 फीट हाइट जाता है, नीचे से 3 से 4 इंच मोटाई देता है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लेता है, 7 से 8 साल का समय ये लेता है। ये भी फर्नीचर होम टाउन के लिए है ना, उसके लिए काम में आता है। बाकी तो ऑल मल्टीपर्पज, अगर हम देखें कि बायोमास कार्बन अगर हमें चाहिए या फिर क्रशिंग प्रेशिंग करके अगर हमें लेना है तो सबसे लास्ट में निकल के आता है बैम्बूसा बालकुआ, क्योंकि क्या हमें बनाना है, जैसे घर भी कितने बनाओगे और कहाँ कहाँ पे यूज करोगे, उसमें खुद वैल्यू एडिशन हमें करना पड़ेगा, तो फिर वो दे सकते हैं। इसीलिए बैम्बू से बालकुआ को ही ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग करते हैं और गवर्नमेंट भी उसी को ही प्रेफरेंस कर रही है। बराबर है। हाँ, देखा जाए तो अगर बड़े पैमाने पे ये लगता है, आप अगर देखोगे ना तो हर वैरायटी अपने आप में खड़ी है और बता रही है कि मैं इतने साल का हूँ और मेरी मैच्योरिटी आप देख लो, मैं इतना बड़ा हूँ, क्योंकि पानी और जमीन एक जैसी है। ससला या गया गया गया, क्या फास्ट दौड़ रहा है, देखा। यस, यहाँ पे था। ये डेंड्रो कैलिमस एस्पर। अच्छा, हाँ, ये एस्पर वैरायटी है। ये भी 120 से 140 फीट के लगभग हाइट देती है, नीचे से मोटाई 4 से 5 इंच। ये भी होम टाउन के लिए ही काम में ले सकते हैं और अगरबत्ती स्टिक में भी इसे अपन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी इंटरनोड भी ये 9 से 10 इंच वाला जो अगरबत्ती का स्टिक वहाँ पे आपने समझा, उससे अगरबत्ती की स्टिक निकल सकती है। ये होल और पोल और मोटाई बड़ा वाला व्यास वाला होने की वजह से ये भी उसमें चलता है। इसके पत्ते ही बिल्कुल अलग है, ज्यादा है। एस्पर और ब्रांडीसी ये एक ऐसा पौधा है कि जहाँ पे ज्यादा बारिश होती हो, जहाँ पे ज्यादा पानी है वहीं पे ही आएगा, कम वाली पानी की जगह पे आएगा नहीं, क्योंकि इसके पत्तों की साइज, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। सबसे लगभग चौड़ा है। हाँ, सबसे लगभग ब्रांडीसी और एस्पर का पत्ता लगभग रहेगा, एस्पर का पत्ता थोड़ा सा लंबा और चौड़ा रहेगा। बराबर। रोहन भाई, देखा यहाँ पर अलग अलग वेराइटी जो है वो बांस की, अब वो बांसुरी कहाँ से बनती है ना वो दिखाते हैं आपको, इधर आ जाओ राहुल भाई। बांसुरी किसमें से बनती है, आज सब लोग साथ में है समझने के लिए क्या क्यों। ये ब्लैक बैम्बू है, ब्लैक बैम्बू है, इसका नाम आप पढ़ सकते हो, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अभी तक नहीं पढ़ पाया, 3 साल से ड्रैगन टोसला पढ़ नहीं पाया। टोसलाओ एट्रोविडेसिया, अपने लिए तो ब्लैक बैम्बू ही ठीक है भाई, अपने को उतना अंदर नहीं जाना है। नेचुरल वे में इसका ब्लैक कलर ही रहेगा, अगर सूखी हुई स्टिक में आपको दिखाऊं, जो मैच्योर हो गई है ये वाली इसमें दिख रहा होगा, तो ये इसमें ब्लैक वाला ये कलर देता है, तो फर्नीचर के लिए ब्लैक कलर करने की आवश्यकता नहीं है। बराबर। ये नेचुरल तरीके से अपन इसको इसको यूज कर सकते हैं। ये भी नया वाला सूट नया सूट जो है वो ग्रीन रहेगा, आपने देखी ये नया वाला सूट है। यस, और कितने दिन पहले का ये भी आप समझ सकते हो, ये 90 दिन में हाइट लेता है, तो ये कम से कम 20 से 25 दिन पहले निकला हुआ है अभी। बराबर। हाँ, बस इतना ही। ये बांसुरी बांस है
ओके जोरू बांसुरी वाला फ्लूट बास ये होल और पोल होते हैं इसके लिए ये फिर बांसुरी में यूज हो सकता है। ये शो के लिए रखते हैं बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है या होटल्स होता है ना तो सामने थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह लगाने के लिए या फिर इसके नीचे टेबल वगैरह बिछा के इसके नीचे भोजन वगैरह करने के लिए फिर ये चाइनीज पेंटिंग ये नेचुरली जब ग्रीनरी लेता है ना तो ये अलग लुक इसका आता है। इसके पत्ते बारीक 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 पत्ते छोटे छोटे और ग्रीनरी ज्यादा है और येलोइश आता है इसमें देखो ये येलो बराबर लाइटिंग लगाने के बाद कुछ अलग ही लगता है। कई लोग इसको क्रिसमस के नाम से भी समझते है। यहाँ पे आई एक बात और बाकी बात है जिसे बोलते हैं हाइट ज्यादा नहीं होती ये बोना होता है बराबर ये भगवान विष्णु का अवतार है ना वामन अवतार जी जी उसके हिसाब से इसका नाम गिरा हुआ है। छोटी 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 पूजा के लिए काम में आता है आसाम वगैरह में पूजा के लिए और फर्नीचर में जो नीचे के पहिए लगते हैं ना तो ये नेचुरल तरीके से आए हुए हैं इसको कट करो और नीचे लगा दो तो ये लग जाता है उसमें। वामन है ना ये छोटा 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 ये पूजा के लिए भी काम में आता है ये पूजा के लिए लेके जाते हैं सारे ये आसाम में पूजा के लिए यूज होता है ये बांस। ये कौन सा वेराइटी हुआ ये ग्रीन वल्गरीज है ना भैया ग्रीन वल्गरीज ओके ग्रीन वल्गरीज भी जो है वो चौथे साल पे हार्वेस्ट हो सकता है। तीन साल में अगर अच्छी लैंड होना तीन साल में हार्वेस्टिंग के लिए अपन ले सकते हैं बैंबू बराबर। अगर पोल की बात करें तो ये एक नया सूट जो है बगैर पानी के हाँ बगैर पानी के एक सूट ये दूसरा सूट फिर इन दोनों के बीच में आप देखोगे ये तीसरा बगैर पानी पे भी सूख गए हैं ये सूखे हुए हैं इसका पत्ता कितना बड़ा है बराबर जी यस। कितने बांस देखे रे बच्चे अपन ने अभी हाँ कोई बता सकता है झूठ नहीं बोलना चलो जितने भी देखे हैं उसके नाम जो है एक एक करके याद करो क्या क्या देखा है बलकुआ जी फिर टुलडा ब्लैक बाम्बू वमन बांस ग्रीन वल्गरीस वेरी गुड येलो वल्गरीस ठीक है जाइजेंटियस ओके बांसुरी वाला यस फिर वो चाइना वाला कौन सा था वो ग्रीन ग्रीन पत्ती वाला ग्रीन येलो पत्ती जो होती है हाँ ब्लैक बाम्बू चाइनीज पेंटिंग एलोवेरी यस टुलडा एस्पर ब्रांडी साई यस बलकुआ वाह कटंगा देखा कटंगा कटंगा यस कटंगा मोटा मोटा सारे आ गए स्टेक्टस जी जी